लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ज्यादातर सीटों में बदलाव नहीं दिख रहा है। भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिर उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार। सिर्फ 3 प्रत्याशी बदले गए हैं। सिवान से कविता सिंह की जगह अब विजय लक्ष्मी जदयू के टिकट से मैदान में होंगे। वो जीरादेई के पूर्व विधायक रामेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। वहीं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की जगह देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के उम्मीदवार होंगे। किशनगंज से जदयू ने इस बार मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी से टिकट देने का फैसला किया है। वहीं सीट शेयरिंग के तहत जेडीयू के खाते में आई शिवहर सीट से जेडीयू की टिकट पर लवली आनंद चुनाव मैदान में होंगी। इधर राजद ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पाटलिपुत्र से राजद की मीसा भारती उम्मीदवार है। बक्सर से सुधाकर सिंह और उजियारपुर से आलोक मेहता उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि राजद ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इधर पाटलिपुत्र सीट से राजद की उम्मीदवार मीसा भारती है। बक्सर से सुधाकर सिंह और उजियारपुर से लोकसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार आलोक मेहता बने हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।